इसराइल में हवास के आतंकियों ने तांडव मचा रखा है। फिलिस्तीनी आतंकियों के हमले के बाद अब इसराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है। इसराइल ने फिलिस्तीनियों को सबक सिखाने के लिए मैदान में अपने फाइटर जेट तक उतार दिए हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार शनिवार तड़के सुबह फिलिस्तीनियों के आतंकी ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी पर रॉकेट की झड़ी लगा दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस हमले के बाद इसराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। इसराइल सरकार ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। रिपोर्ट की माने तो गाजा पट्टी की तरफ से इसराइल के कई रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे गए। इसराइल की सेना ने बताया है कि हवाई हमले का अलर्ट करने वाले सायरन की आवाज तेल अवीव तक सुनाई दी है। यही नहीं, इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल युद्ध में उतर गया है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इसराइल और उनके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। इसराइल ने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि दुश्मनों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। बता दें कि शनिवार सुबह फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप ने गाजा पट्टी से रॉकेट दागना शुरू कर दिया। यही नहीं, हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली और इसे इसराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से 20 मिनट में लगभग 5,000 रॉकेट दागे। यही नहीं, हमास ने इसराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही इसराइल की 5 सैनिकों का भी अपहरण कर लिया। हमले में करीब 5 लोगों की मौत हुई और लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बारे में AFP पत्रकार ने बताया कि शनिवार सुबह 6:30 पर गाजा में कई स्थानों पर रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना ने देश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में सायरन बजाकर आम जनता को चेतावनी दी। साथ ही सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि जनता बम शेल्टर यानी बंकरों में शरण ले। बता दें कि फिलिस्तीन हमले के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि हमास ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह हमला तब हुआ है जब इसराइल यहूदी अवकाश मना रहा था। दर्जन भर आतंकियों ने गाजा पट्टी से सेट रोड के पास इसराइल में घुसपैठ की। यही नहीं, हमास के बंदूकधारियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गाजा की तरफ से इसराइल पर ये कोई पहला हमला नहीं है। पिछले साल भी गाजा की तरफ से इसराइल पर रॉकेट दागे गए थे। वहीं अब दोबारा ये हमला हुआ है तो भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की, जिसमें इसराइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों से सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया। साथ ही सावधानी बरतने और अनावश्यक आवाजाही से भी बचने की सलाह दी गई। साथ ही एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बुक।